हेलो दोस्तों, नमस्कार। पी के मौज मस्ती चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में, जो नोबेल पुरस्कार जो है इसको जॉर्ज पंचम यानी जो इंग्लैंड का था, उसकी जन गण मन अधिनायक के गान पे जो है ना उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। आखिर क्या आपको मालूम है कि नोबेल पुरस्कार जो है रविंद्रनाथ टैगोर को क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, इसके अंदर क्या खूबी था जो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, इन सब के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो मिस मत करना और इस वीडियो को पूरा देखना, इससे आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। और सब लोग कहते हैं गीतांजलि पे जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया, आज स्पष्ट हो जाएगा इस वीडियो में कि गीतांजलि पे नोबेल पुरस्कार दिया गया या जन गण मन अधिनायक के गान पे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको। तो देखिए, ये जो है ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर है, ये जो फाइल फोटो देख रहा है इसको, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना ये जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड का था, जो इंग्लैंड यानी अंग्रेज था भारत में जो है गुलामी के जंजीर में, जब अंग्रेज इंडिया जकड़ा हुआ था तो उस समय शासन चला रहा था, और ये उसी अंग्रेज जॉर्ज पंचम का चाटुकार। अब कहेंगे सर चाटुकार क्या होता है, तो चाटुकार होता है एक दूसरे के गुलामी के बातों का तत्पर उत्तर देने वाला, वो जैसा कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा। तो यही ये रविनाथ टैगोर है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और ये देखिए, ये है जॉर्ज पंचम, ये है जॉर्ज पंचम, और ये जॉर्ज पंचम जो है ना रविनाथ टैगोर इसी का चाटुकार था, यानी ये जैसा कहता था वो वैसा ही करता था। तो सबसे पहले आजकल के शिक्षा प्रणाली ऐसा है कि जब हमारा 26 जनवरी जब आता है या 15 अगस्त आता है, तो उसमें सबसे पहले जो है बच्चों लोग को, छोटे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कि जन गण मन अधिनायक जय हे, जन गण मन अधिनायक जय हे, ये जैसे ही झंडा फहराएगा तो आप लोग इस गान को स्मरण करना यानी गाना, ठीक है। लेकिन क्या सबसे पहले जो ये गान के बारे में शिक्षा जो देते हैं बच्चों को, तो उस शिक्षा को शायद भी पता नहीं होगा कि रान जन गण मन अधिनायक जय हे, ये गान जो है रियल क्या है, झंडा के वास्ते है या फिर किसी और के वास्ते है। तो दोस्तों, आज मैं हम बताने वाला हूँ पूरा डिटेल्स रविनाथ टैगोर के बारे में, इसके बारे में, और इसके बाद जो है ये जॉर्ज पंचम के बारे में, इसके बारे में, इसके बाद जो है ये झंडा फहराने के भी बारे में बताऊंगा। तो शुरू के यहाँ से करते हैं, देखिए सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे ही झंडा फहराते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन, तो उसमें जैसे ही झंडा फहराने के बाद सभी बच्चे गुणगान करते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय हे। तो दोस्तों, आप एक अगर शिक्षक है तो उसका अर्थ निकालिए, अर्थ निकालने के बाद बताइए कि इस जन गण मन अधिनायक के अंदर में ये रहस्य लाइन का, ये रहस्य के अंदर क्या छुपा है। तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। और इसका अर्थ ये होता है कि भारत के जनता के मन के जन गण मन अधिनायक जय हो, सबका जो है अधिनायक आप ही, भारत भाग्य विधाता यानी भारत के भाग्य के लिखने वाले हो तुम, भारत के भाग्य के विधाता तुम ही हो, ये रविनाथ टैगोर कह रहे हैं। किसके उपलक्ष्य में, किसको कह रहा है? तो दोस्तों, ये कह रहा है जॉर्ज पंचम इसको कह रहा है। और हम लोग जो है क्या करते हैं कि जब झंडा फहराते हैं तो गुणगान गाते हैं, यानी हम लोग झंडा का गुणगान नहीं गाते हैं, ये जॉर्ज पंचम का गुणगान गाते हैं। और ये सिखलाया है कौन ने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो अंग्रेज का सबसे बड़ा चाटुकार था। तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों कि आप लोग जो है ना पहले
लाइन को स्मरण कीजिए और उसका अर्थ निकालिए क्या होता है। इसके बाद जो है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, यानी पंजाब सिंध गुजरात मराठा इन सब को, इन सब इलाके को जो है ना ये भाग भाग को लिखने वाले, यानी इन सब इलाके में जो है ना बहुत ज़बरदस्त गुलामी चल रहा था, तो इन सब के जो है ना भाग को जो है ना बदलने वाले थे ये जॉर्ज पंचम और ये काड़ा है रविनाथ टैगोर। इसके बाद जो है तब सुगना में जागे तब शुभ आशीष मांगे, यानी जॉर्ज पंचम से जो है ना ये रविनाथ टैगोर आशीष मांग रहा है, पूरा भारत देश का सभी नागरिक जॉर्ज पंचम से जो है आशीष मांग रहा है। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय भारत भाग विधाता, तो यही सब है। तो मैं उन शिक्षकों को यही कहना चाहता हूँ कि आप इस राष्ट्रीय गान को जो है इसको पढ़ के आप स्मरण कीजिए और स्मरण करने के बाद इसका अर्थ निकालिए। अर्थ निकालने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जॉर्ज पंचम कौन था और किसके उपलक्ष्य में जो है ये गीत गाया गया था। भारतीय भारत के हर बुक में 1 से लेकर 5 या 5 से 8 तक के बुक के पहले पन्ने पर रहता है जन गण मन अधिनायक जय, ये राष्ट्रीय गान। आखिर राष्ट्रीय गान क्यों है, क्यों घोषित किया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, सर के बारे में अगर समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को एक से अच्छा वीडियो बना के विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये देखिए ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये देखिए यही है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है ना जब रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर खुद उस समय कहते थे कि मैं मेरे हिसाब से तो मैं जो गीत गाया जन गण मन अधिनायक जय है इसका शब्द हमें भी अच्छा नहीं लगता है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने मुंह से बोला है और मुंह से बोलने के बाद जो है इसको जो है फिर भी इसको जो है जब जन गण मन अधिनायक पूरा गीत गा दिया तो जॉर्ज पंचम अंग्रेज जो था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हिंदी क्या होता है, क्योंकि हिंदी उसको समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद जो है वो दूसरे अंग्रेज के मंशी या चपरासी के द्वारा उसको क्या किया ट्रांसलेटिव किया गया, यानी ट्रांसलेशन बनाया गया, और ट्रांसलेशन बनाने के बाद जो है ना जब उसका अर्थ जब समझा तो ये बोला रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है जॉर्ज पंचम। इसके बाद इसको खोजने लगे कि इतनी सम्मान तो हमारा इंग्लैंड में भी नहीं होता है जितना सम्मान हमारा इंडिया में हो रहा है। इसके बाद जो है इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद इसको खुद एहसास होने लगा रविन्द्रनाथ टैगोर को कि जिस गीत को मैं खुद अच्छा नहीं मानता वो गीत जो है कैसे इतना ऊपर तक पहुंच गया। इसके बाद जब नोबेल पुरस्कार दिया गया तो जॉर्ज पंचम से ये कहा कि सर जब इतना सब कुछ कर ही दिया तो एक जो है एक शिलान्यास और कर दीजिए। तो बोला क्या कि ये जो आप नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं ना ये नोबेल पुरस्कार जो है पूरा भारत देश में ये प्रचारित कर दो कि ये नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पे दिया गया। तो जॉर्ज पंचम ने कहा ठीक है जब तुम्हारी इच्छा ये है तो ठीक है हम घोषित कर देंगे। इसके बाद जो है ये विस्तारित रूप से पूरा इंडिया में फैला दिया गया। तो मेरा इस वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि अगर आप शिक्षक हैं तो बच्चों को सही रास्ता दिखो, सही मार्गदर्शन दो ताकि उसका भविष्य आने वाले समय में अच्छा रहे। और अगर आपको खुद ये मालूम नहीं है कि जन गण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रीय गान का पूरा अर्थ अगर आप निकालिएगा ना सर, जिसका अगर इसका अर्थ मालूम जब हो जाएगा तो जन गण मन अधिनायक जब पूरा गीत आप लिख लीजिए इसके बाद इसका अर्थ निकालिए तो जॉर्ज पंचम के जो है ना जॉर्ज पंचम के गुणगान के सिवा आपको इस झंडा का गुणगान नहीं दिखाई देगा खुशी में।
एक भी लाइन में। अगर नहीं दिखाई दिया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बोलना कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। जब एक बात बताइए, जब इस हम लोग झंडा फहराते हैं खुशियों लहर के लिए कि हमारा देश इस समय आज़ाद हुआ था, जबकि हम भी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है ये 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, लेकिन जन गण मन अधिनायक जो आप बच्चों को गुणगान के लिए कहते हैं कि गाओ, तो आप एक टीचर हैं तो कम से कम आप पहले उस गीत को समझ लीजिए कि क्या है इस गीत में। और झंडा का गुणगान कभी किसी इसके अंदर दर्शाया गया है कि नहीं? जब नहीं दर्शाया गया है दोस्तों, तो मैं क्यों छो फिर अपने बच्चे को गलत रास्ता दिखाऊं ताकि उसका भविष्य अंधेरा हो। दोस्तों मेरा बस यही एक मकसद था इस वीडियो बनाने की, कि हर शिक्षक इस मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चे को ये सब जो है नहीं सिखलाना जाना चाहिए, क्योंकि इस जनगण मन अधिनायक के अंदर इस झंडा का गुणगान कहीं है ही नहीं, तो फिर हम इस बच्चों को मार्गदर्शन में बाधा क्यों डालेंगे। अगर सिखलाया जाया है तो अगर गीत अगर राष्ट्रीय गीत गाना ही है तो उसको सिखलाए दे वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है बहुत अच्छा गीत है, राष्ट्रीय गीत भले ही उसको साबित कर दिया गया है लेकिन उसको राष्ट्रीय गान होना चाहिए और इसको राष्ट्रीय गीत होना चाहिए। लेकिन जो है राष्ट्रीय गीत जो है सब उलट पुलट हो गया, किसके वजह से? क्योंकि उस समय में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज का शासन चल रहा था, और अपना ये भारतीय जनता पार्टी का ये सरकार था, उसके वजह से जो है ये सब उलट फेर हुआ। तो बस अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना। थैंक यू, धन्यवाद।